Hello everybody, this is Yash Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel. आज का जो ये वीडियो है ये बनाने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्पज है, वो ये पर्पज है कि बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली मुझे मैसेज करते रहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हो कि सर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे रिलेशंस खराब हो रहे हैं, पेरेंट्स बहुत सारे लिखते हैं, बहुत सारे मेल करते हैं। लास्ट वीक एक पेरेंट का ही मेल आया था कि मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहता, बात नहीं मानता। बहुत सारी चीजें मैंने देखी है, कोई इंसान रिलेशन में परेशान रहता है, कोई करियर को लेकर परेशान रहता है, मतलब ज्यादातर लोग परेशान ही रहते हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो ये जो वीडियो है, मैं अभी तक जितने भी वीडियो बनाए मैंने कभी इस चीज पे फोकस नहीं किया, इस चीज पे फोर्स नहीं किया कि आप वीडियो को शेयर करो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, लाइक करो, कभी बहुत मतलब मैं बोलता ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगेगा तो आप ऑब्वियस ही बात है लोगों तक पहुंचाओगे, मैं अपना काम कर रहा हूं। बट इस वीडियो के लिए मैं जरूर बोलूंगा कि आप जितने लोगों तक इसको शेयर कर सकते हो उतने लोगों तक शेयर करो, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में ये गारंटी ले रहा हूं कि जिसने आज की वीडियो को समझ लिया पूरा ध्यान से देख के, उसकी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम सबकी लाइफ में यही प्रॉब्लम है जिसका डिस्कशन आज मैं करने वाला हूं विद सॉल्यूशन। और ये जो चीज आज मैं आपके सामने डिस्कशन में लेके आने वाला हूं, ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल और टेक्निकल चीज है, बट उसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से स्टोरी की फॉर्म में दो कहानियों आपको सुनाऊंगा, उन दोनों कहानियों का यूज करके आप इन चीजों को समझ जाओगे और आप खुद ही इस चीज को बिलीव करोगे कि हाँ आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम सब इंसान हैं और हम अपनी एक धारणा बनाते हैं, अपनी एक सोच बनाते हैं, अपनी एक ओपिनियन बनाते हैं, और वो जो हम ओपिनियन बना रहे होते हैं, बहुत ध्यान से बातों को आज बहुत ध्यान से सुनना, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, बाकी सब चीजें आसपास की एकदम दूर करके ध्यान से इस वीडियो को सुनना, सच बता रहा हूं बहुत फायदा होगा लाइफ में। हम जितने भी इंसान होते हैं हम अपनी एक धारणा, अपनी एक सोच, अपनी एक ओपिनियन बनाते हैं, और हमारी जो ओपिनियन और ये जो धारणा होती है ये हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। लाइफ के एक्सपीरियंस जो हमारी लाइफ में हमारे साथ हुआ होता है या हो रहा होता है बहुत लंबे टाइम से, उस हिसाब से हम अपनी एक ओपिनियन और अपना एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं और उस बॉक्स के अंदर हम बैठ जाते हैं। जो भी चीज हमें उस बॉक्स के हिसाब से मिलती है हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ दिस इज करेक्ट क्योंकि ये मैं सोचता हूं। बट जब भी मेरे सामने कोई अपोजिट चीज आ जाती है जो मेरी सोच से परे होती है या मेरी ओपिनियन से अलग होती है, मैं उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, मैं उस चीज से अपने आप को दूर कर लेता हूं, मैं उस चीज से अपने आप को दूर कर लेता हूं। अगर मैं किसी चीज को लेके निगेटिव सोचता हूं, किसी इंसान को लेकर निगेटिव सोचना शुरू करता हूं या अपने आप को लेकर निगेटिव सोचना शुरू कर देता हूं, तो मेरा दिमाग मेरे आसपास वही सारे प्रूफ ढूंढता है जो मुझे इस चीज का प्रूफ देती है कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टोरी, एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। एक इंसान होता है, एक आदमी होता है, वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई मैं मर गया हूं, वो एक्सेप्ट कर लेता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेसिस पे बात कर रहा हूं, वो ये मान लेता है कि मैं मर चुका हूं फिर भी मैं चल रहा हूं, उसको ऐसा लगने लगता है। अब वो लोगों से कहते हैं भाई तू जिंदा है, कहता है अरे यार मैं मर गया हूं, मानो बात को मैं मर चुका हूं, मतलब वो इंसान इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका कि वो मर गया है। अब उसके घर वाले सोचते हैं यार, ये तो उसके मम्मी पापा सोचते हैं ये पागल हो क्या यार, ये कैसी बातें कर रहा है, तो इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उससे कहते हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि ये बोलता रहता है कि ये मर गया और बात ही नहीं मानता हमारी, समझ में आ रहा है, उसने एक ओपिनियन बना ली है, बहुत ध्यान से सुनना, बार बार बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर उससे कहता है कि ठीक है, उसके पेरेंट्स से बोलता है मैं सॉल्व करता हूं आपकी प्रॉब्लम को, मेरे को एक ऑप्शन है इस चीज को सॉल्व करने के लिए। वो उसको बुलाता है उस लड़के को, उससे कहता है बेटा यहां पे बैठ थोड़ा सा, वो उसे कहता है तुम जिंदा हो, कहता है नहीं नहीं मैं मर चुका हूं, वो कहता अच्छा, वो कहता है तुम्हें पता है ये चीज पता है कि अगर कोई इंसान मर चुका होता है तो उसके ब्लड फ्लो नहीं होता, खून नहीं निकलता, और अगर कोई इंसान जिंदा होता है तभी उसके खून निकलता है। तो वो लड़का कहता है हाँ ऐसा तो होता है, तो वो कहता है मतलब मैं तुम्हारे सुई चुबाता हूं और अगर तुम्हारे खून निकला तो इसका मतलब है कि तुम जिंदा हो, तुम मरे नहीं हो। तो कहता है वो लड़का सोचने लगता है अच्छा, वो कहता है चलो ट्राई कर लेते। तो डॉक्टर एक नीडल लेके आता है और उसके सुई घुसा देता है हाथ में, उसके खून निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। डॉक्टर से कहता है देखो ब्लड निकल रहा है तुम्हारे, इसका मतलब तुम जिंदा हो। वो इंसान जो अपनी एक ओपिनियन बना चुका था, जो अपनी एक सोच बना चुका था, तो अपना एक डब्बा बना चुका था, उस डब्बे में ये चीज एक्सेप्ट कर चुका था कि वो मर चुका है, उसको सामने से एक थॉट ऐसा मिल रहा है, एक प्रूफ ऐसा मिल रहा है कि वो जिंदा है, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो ये बोलता है कि नहीं ना ऐसा थोड़ी होता है, रियलिटी तो ये होती है कि आज ये चीज प्रूव हो गई कि जो मर गया होता है उसके अंदर से भी खून निकल सकता है, समझ रहे हो बात को मैं जो कहना चाह रहा हूं। डॉक्टर इस चीज को प्रूव करना चाह रहा था कि जो जिंदा होता है उसी से ब्लड निकलता है, उस आदमी ने जो ओपिनियन बना रखी थी उस ओपिनियन के हिसाब से उसने सामने प्रूफ भी देखा, उसके बाद भी उसने यही बोला
कि इससे यह प्रूव होता है कि मरे हुए इंसान के अंदर से भी ब्लड फ्लो पॉसिबल है। हम जो सोच बना लेते हैं, जो धारणा बना लेते हैं, उस धारणा के अलावा हम किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, और इस प्रॉब्लम को बोला जाता है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस हमारी लाइफ में, हमारे ब्रेन का, हमारी दिमाग का, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और बड़े बड़े लोग इससे तकलीफ से झेले। हर इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, सबके अंदर, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं होगी, सबके अंदर होती है ये चीज। बट द पॉइंट इज दैट कि हमें इस चीज को पहचानना होता है कि कब हम इस कंफर्मेशन बायस का शिकार हो रहे हैं। अदरवाइज अगर नहीं पहचान पाते हो तो आपकी जिंदगी बर्बाद होती है, रिलेशंस बर्बाद होते हैं, लाइफ बर्बाद होती है, सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है जो कंफर्मेशन बायस का इशू है। प्लैंक का नाम सुना होगा, प्लैंक थ्योरी बचपन में पढ़ा होगा आपने, बहुत बड़ा बढ़िया साइंटिस्ट था। उसने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी चीज मेंशन की गई थी उसकी, कि उसने ये बोला था कि साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो भी कंफर्मेशन बायस का शिकार होते थे। उसने ये बोला कि हम लोग जब भी कोई नया इन्वेंशन करते थे, वो इन्वेंशन तब तक एक्सेप्ट नहीं होता था जब तक जो पुराना इन्वेंट किया हुआ साइंटिस्ट है वो जिंदा है। जब तक वो साइंटिस्ट मर नहीं जाएगा, नई कोई भी थ्योरी, नई कोई भी टेक्नोलॉजी, नया कोई भी इन्वेंशन एक्सेप्टेंस पे आएगा ही नहीं। बिकॉज द रीजन इज, पुराने लोग हमेशा उसी कंफर्मेशन बायस का शिकार है कि ये चीज तो हो ही नहीं सकती, यही चीज है और यही चीज रहेगी। इसलिए हमेशा जब साइंटिस्ट पुराना मर गया है, तभी नया कोई ना कोई साइंटिस्ट आगे बढ़ा है। उसने इस चीज को क्लियरली मेंशन किया है कि कंफर्मेशन बायस का शिकार बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हुए हैं। हर कोई होता है, हर इंसान होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम हमें हमारे थॉट के अगेंस्ट किसी चीज को एक्सेप्ट करने को रेडी होने ही नहीं देती। अगर एक इंसान को, एक बच्चे को बचपन से उसके पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि यार तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम बेवकूफ हो, और उसको देखो वो कितना होशियार है, तो वो बच्चा अपनी एक ओपिनियन बना लेगा अपने आप को लेके और अपने पेरेंट्स को लेके कि वो मुझे हमेशा सुनाते हैं और मैं बेवकूफ हूं, मेरे अंदर दिमाग नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। उस ओपिनियन के दौरान जब वो बना रहा होगा तो वो उन्हीं थॉट्स को ढूंढता होगा जो प्रूव कर रही होंगी कि वो बेवकूफ है, कि मेरे नंबर हाँ कम आए थे, मैं ये नहीं कर पाया था, मैं एग्जाम में फेल हो गया था। वो कभी ये चीज नहीं सोचेगा कि एग्जाम से हटके भी कोई लाइफ है जहां पे वो अच्छा चल रहा है। हो सकता है उसकी एक कोई ऐसी फील्ड हो जहां पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बट क्योंकि उसकी लाइफ में ओपिनियन उस नेगेटिविटी की वजह से बनी है, तो हमेशा वो अपने आप को कोसता रहेगा कि मैं कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके लिए सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसके दिमाग में ये डाला, और सेम चीज वो पेरेंट्स को लेके ओपिनियन बना लेगा कि मुझे वो लोग हमेशा सुनाते रहते हैं। और जब भी उसको कोई कुछ बोलेगा, नहीं तू तो बहुत होशियार है यार, तू बहुत टैलेंटेड है, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म से वो बिलीव उसके सामने चलती चली आ रही है। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूं? कंफर्मेशन बायस एक ऐसी चीज है जो चीज हमें कोई भी पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट करने ही नहीं देती, क्योंकि हम अपनी एक धारणा बना चुके होते हैं, एक ओपिनियन बना चुके होते हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, मैक्सिमम रिलेशंस इसी वजह से खराब हो जाते हैं। मैक्सिमम किसी भी रिलेशन की बात हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम आती है ना रिलेशंस में, जो भी लाइफ के अंदर बड़े बड़े इश्यूज आते हैं ना, वो सब इसी की वजह से आते हैं। एंड जो इस कंफर्मेशन बायस को समझ गया कि ये कब मेरे साथ मैं इसका शिकार हो रहा हूं, वो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ जाता है, वो हमेशा चीजों को संभाल के रखता है और हमेशा लाइफ में चीजों से परे रहता है, टेंशन फ्री रहता है। दो दोस्त होते हैं, बचपन में स्कूल में साथ पढ़े होते हैं, कॉलेज में साथ पढ़े होते हैं, उसके बाद वो बहुत टाइम से अलग हो जाते हैं, बहुत 15 साल बाद मिलते हैं, एक बड़ा ऑफिसर बन गया होता है, एक नॉर्मल इंसान होता है, छोटी सी जॉब कर रहा होता है। दोनों बहुत टाइम के बाद मिलते हैं, एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं, बढ़िया से एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जो बहुत बहुत बड़ा ऑफिसर, बहुत पैसे वाला बन गया होता है, बहुत बड़ा आदमी बन गया होता है, वो बहुत हम्बल तरीके से मिलता है अपने दोस्त से, गले वले लगाता है उसे, बहुत अच्छे से मिलता है, दूसरे वाले को भी लगता है बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अच्छे से मिल रहा है। दोनों बात करना स्टार्ट करते हैं, दोनों का डिस्कशन करने स्टार्ट होते हैं, बीच में जो बहुत बड़ा इंसान बन गया होता है उसका फोन रिंग करता है। तो वो क्या करता है, वो फोन उठाता है और बिना सामने वाले दोस्त को बोले साइड में चला जाता है और बात करने लगता है। इतनी देर से बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, बट एक छोटी सी चीज, सामने वाले इंसान को ऐसा लगता है कि यार ये मेरे को बिना बोले ऐसे उठ के चला गया, मेरी बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि मैं छोटा इंसान हूं, क्योंकि मैं छोटा हूं, मैं इसके सामने कुछ नहीं हूं, इसलिए इस तरीके से बिहेव कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। मतलब यहां पे पॉइंट ये है कि उस इंसान ने एक बिलीव बना रखी है कि जो अमीर इंसान होता है, जो बड़ा इंसान होता है, जो फेमस हो जाता है, उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है और उस चीजों को वो भूल जाता है, वो पॉजिटिव चीजों को भी भूल जाता है जो उस इंसान ने उसके साथ की होती है, उसकी वजह से उसकी एक ओपिनियन तैयार हो जाती है, वो ओपिनियन सामने वाले इंसान के लिए नेगेटिव तैयार हो जाती है और वो वही प्रूफ ढूंढने लग जाता है कि ये इंसान तो ऐसा ही होगा। फिर वो बचपन की भी वो सारी चीजें याद करने लग जाता है, जो सारी चीजें इस चीज को प्रूव कर रही है कि हाँ इसके अंदर तो बचपन से एटीट्यूड है, ये तो बचपन से एटीट्यूड है, मुझे किताब नहीं देता था, ऐसे करके एग्जाम में बताता नहीं था, दिखाता नहीं था, चीटिंग नहीं करता था। और वो चीजें उसके
कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में कब चली जाएंगी और वो धारणा कब परमानेंट बन जाएगी उसको पता भी नहीं चलता है, और वो उसको उस टाइम पे कंफर्मेशन बायस का शिकार बन जाता है और उन दोनों के रिलेशन खराब कर देता है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम अब जब वो सामने वाला इंसान यहां आएगा तो इस वाले इंसान का एटीट्यूड बदला हुआ होगा, और जब इसका एटीट्यूड बदला हुआ होगा तो इसका बिहेवियर बदला हुआ होगा, जब इसका बिहेवियर बदला हुआ होगा तो सामने वाले को भी खराब लगेगा, जब सामने वाले को खराब लगेगा तो वो भी कंफर्मेशन बायस का शिकार हो जाएगा। कंफर्मेशन बायस का सबसे बड़ा इशू यही होता है कि ये मल्टीप्लाई होता है। आप किसी के साथ कोई खराब फील करोगे और आप उसके साथ खराब रिएक्शन दोगे तो सामने वाले को भी खराब लगेगा, फिर वो सामने वाला भी खराब रिएक्शन देगा, फिर आपको खराब लगेगा। इट विल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड विच विल रिजल्ट इन टू द रिलेशन की लग गई खत्म। और ये हर जगह वैलिड होता है। पेरेंट्स बहुत सारे बच्चों को बताते रहते हैं, बच्चों को बोलते रहते हैं बचपन से यही कर ये कर, वो देख कितना होशियार है, तू कितना बड़ा बेवकूफ है, रॉन्ग गलत चीज है। और फिर वो ये सोचते हैं कि ऐसा कर क्यों नहीं रहा। बच्चे के साथ भी सेम चीज है, वो कोई चीज कर रहा होता है वो निगेटिव चीज हमेशा निगेटिव चीजों को ही सोचते रहता है। कंफर्मेशन बायस जब भी आप लाइफ में किसी चीज के लिए ओपिनियन बनाने जा रहे हो, कोई धारणा बनाने जा रहे हो, कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। अगर किसी इंसान के लिए कोई ओपिनियन बना रहे हो तो आप हमेशा उसकी सिर्फ नेगेटिव चीज जो उस साइड पे हुई है उसको नहीं देखना है, आपको वो सारे पॉजिटिव चीजें जबरदस्ती अपने आप को फील करवाने हैं जो हुए हैं, आपको याद करनी है वो चीजें, सिर्फ नेगेटिव चीजों को ध्यान नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान हमेशा अच्छा ही होगा, हो सकता है कभी कभी उसकी नेगेटिव चीजें पॉजिटिव से बहुत ज्यादा हो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट्स फाइन कि आप उससे दूर हो जाओ उस इंसान से। बट मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव चीजें नेगेटिव से हमेशा पड़ला भारी रखती है, बट हम उन पॉजिटिव चीजों को देख नहीं पाते और हम उस रिलेशन को खराब कर देते हैं। हम लाइफ में प्रॉब्लम झेलते हैं, खुद भी और उसको भी झेलवाते हैं। तो जब भी आप लाइफ में किसी के लिए ओपिनियन बनाओ, कोई भी पेरेंट, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जब भी आप अपने बच्चों के लिए ओपिनियन बनाओ, कोई भी बच्चा अपने पेरेंट के लिए ओपिनियन बनाए, कोई भी रिलेटिव अपने रिलेटिव किसी और के लिए ओपिनियन बनाए, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों को देख के ओपिनियन मत बनाओ, क्योंकि उस टाइम पे यू आर स्ट्रगलिंग फॉर कंफर्मेशन बायस। और कंफर्मेशन बायस जब आप झेल रहे होते हो तो आप सिर्फ अपने आप को वही प्रूफ दिखाओगे, वही चीजें दिखाओगे कि हाँ ये तो ऐसे ही करता है, ये तो ऐसे ही करता है, ये तो ऐसे ही करता है। और जब बार बार ऐसा होता रहेगा तो वो कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि एक बार सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में सब चला गया पीछे माइंड में, तो उसके बाद वो परमानेंट हो जाता है। उसके बाद आप दिन भर वही सोचोगे कि ये इंसान ऐसा करता था, दिस यू विल जस्ट रिकॉल ओनली द नेगेटिव थिंग्स एंड यू विल इंटरप्रेट समथिंग लाइक दैट ओनली। आप जो सोचोगे वही कंफर्मेशन होगी और उसी को बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। हम अपनी बिलीफ, अपनी जो हमारी नेगेटिव चीजें होती हैं उनके हिसाब से अपनी ओपिनियन बना लेते हैं, और वो बहुत बड़ा दुश्मन होता है हमारी लाइफ का। समझ में आया मैंने क्या बोला? वो डब्बा जो है, वो जो बॉक्स आपने बना के रखा, उससे बाहर आउट ऑफ द बॉक्स भी चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करा करो। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा पॉजिटिव ही ढूंढते रह जाओ, कभी कभी ऐसा भी होगा कि पॉजिटिव बहुत कम होंगे, कोई इंसान आपको सच में परेशान कर रहा होगा बार बार, तो इट्स बेटर उस टाइम आपको असर्टिव होना है। असर्टिव का मतलब क्या होता है पता है? आपको बोलना है कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग, और उस टाइम पे आपको सोचना नहीं है कि ये करना सा बंदा गलत है, आपको उसको बोलना है कि भाई तुम गलत हो एंड दिस इज रॉन्ग। बट उस पॉइंट पे आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आप कंफर्मेशन बायस का शिकार ना हो रहे हो। कंफर्मेशन बायस का मतलब होता है जब नेगेटिविटी से ज्यादा होती है पॉजिटिविटी, बट पॉजिटिविटी आप देखना ही नहीं चाहते, आप उस इंसान की सिर्फ नेगेटिविटी देखते हो जो उस टाइम पे आपको लगता है कि उस इंसान ने गलत किया है, तो वो गलती बहुत बड़ी हो जाती है, वो बड़े बड़े रिलेशन सबको खराब कर देती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इस वीडियो को अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, अपने भाई बहन जरूर शेयर करना, क्योंकि जो इस चीज को समझ गया उसका काम लाइफ में बहुत इजी हो जाता है। हम लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, हम लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, बट अगर हम अपने आप को एकदम सिंपल नादान इंसान समझे तो हम बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि हम अगर ये फील करें कि ठीक है हम जो हैं ठीक है, और जो हमारी लाइफ में होगा हम कोशिश करेंगे वो ठीक ही हो, तो हमेशा हम भी खुश रहेंगे और दूसरा इंसान भी खुश रहेगा। जबरदस्ती पचड़ों में फंसना या जबरदस्ती किसी पचड़े को उठा के अपनी लाइफ में लेके आना, पचड़ा समझ रहे हो ना, टेंशन, वो बेवकूफी की चीजें होती है। तो इट्स बेटर टू क्लोज द डील ऑन द टेबल उसी टाइम पे जब वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो, क्लोज दैट विदाउट थिंकिंग एंड मल्टीप्लाइंग द थिंग्स नेगेटिवली। समझ में आ रहा है? खुश रहो, मस्त रहो, लाइफ को हमेशा अच्छे से जियो और कोशिश किया करो कि टेंशन फ्री रहो। मैं नहीं कहता हर इंसान 100% टेंशन फ्री कोई रह सकता है, इम्पॉसिबल है, हर किसी को टेंशन होती है, बट हाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम उस चीज को कम कर सकते हैं हम, और वो चीजें करने की मैं कोशिश करता हूं, आपको नई नई चीजें समझाता हूं लाइफ की, जिससे आपकी लाइफ में कोई ना कोई चीजें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, और कोई अच्छी चीज चाहिए कुछ लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ, सॉल्यूशन मैं दूंगा। थैंक यू।